गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी स्टार्ट अवर नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 18, द सन मून एंड स्टार्स। सो यू ओपन योर साइंस बुक, लेट अस स्टार्ट नाउ दिस चैप्टर। चैप्टर 18, द सन मून एंड स्टार्स। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट, इस चैप्टर में हम किन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे? द सन, द मून, द स्टार्स। द सन अपीयर्स इन द डे टाइम एंड द मून एंड द स्टार्स अपीयर एट नाइट। सूरज जो है वो दिन में दिखाई देता है और चांद और स्टार्स जो है वो हमें रात में दिखाई देते हैं। द पोजिशन ऑफ द डे सन इन द स्काई कैन टेल अस अबाउट द टाइम। और सूरज की स्थिति जो आसमान में होती है उसी के आधार पर हम समय का पता लगाते हैं। यहाँ पर देखिए, ये मॉर्निंग सीन है जब सन पूरब से उदय हो रहा है, ये दोपहर का समय है, ये इवनिंग है और ये लास्ट में नाइट है जब आसमान में तारे और चांद दिखाई दे रहे हैं। द सन आवर डे बिकम्स विद द सन राइज। हमारा दिन कब प्रारंभ होता है? जब सूरज उदय होता है। द सन इज राउंड इन शेप। और सूरज आकार में कैसा होता है? गोल आकृति का होता है। इट इज बिग एंड हॉट। आप यहाँ पे देखिए, दिखाई दे रहा है और आप सभी ने मॉर्निंग में आसमान में देखा होगा कि सूरज हमें दिखाई देता है जो एक राउंड शेप का होता है, बड़ा होता है और बहुत ही गर्म होता है। द सन गिव्स अस लाइट एंड हीट। सूरज से हमें क्या मिलती है? रोशनी और गर्मी। देयर कैन बी नो लाइफ ऑन द अर्थ विदाउट द सन। पृथ्वी पर सूरज के बिना जीवन संभव नहीं है। द सन इज वेरी फार अवे फ्रॉम अस। और सूरज हमसे बहुत दूर है। द सन सेट इन द इवनिंग। और शाम के समय क्या होता है? सूरज अस्त हो जाता है। मोर टू नो, द सन इज ऑल्सो अ स्टार। सूरज भी एक तारा है। It appears much bigger because it is nearer to us than other stars. यह बहुत बड़ा है क्योंकि यह बहुत और तारों की तुलना में बहुत पास हमें दिखाई देता है। The moon, चांद। At night we can see the moon in the sky. रात के समय हम आसमान में चांद को देखते हैं। अ फुल मून इज राउंड इन शेप। और पूरा चांद जब निकलता है, जिसे हम पूर्णिमा के दिन देखते हैं, उस दिन चांद हमें पूरा गोल राउंड शेप में दिखाई देता है। इट शाइन्स इन द डार्क स्काई। और ये रात में जब आसमान का कलर डार्क होता है तो उसमें ये चमकता हुआ दिखाई देता है। द मून इज स्मॉलर देन द सन। चांद जो है वो सूरज की तुलना में छोटा है। द शेप ऑफ द मून चेंजेस इन अ कोर्स ऑफ टाइम। चांद का जो आकार है वो समय के साथ बदलता रहता है। हैव योर ऑब्जर्व देम। क्या आप सभी ने इस चीज़ को कभी अनुभव किया है? अगर आप कुछ दिन तक लगातार चांद को आप देखते रहिए तो आपको पता चलेगा कि चांद जो है वो धीरे धीरे अपने शेप को बदलता है। पूर्णिमा के दिन चांद जो होता है वो फुल सर्कल में होता है और फिर धीरे धीरे कटना शुरू हो जाता है। इस तरह से मून जो है वो अपने शेप को चेंज करता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द स्टार्स, तारे। We see many stars at night in the sky. हम सभी रात के समय बहुत से तारों को आसमान में देखते हैं। We cannot count the stars.
हम तारों को गिन नहीं सकते। स्टार्स आर वेरी बिग, तारे बहुत बड़े होते हैं। बट दे लुक टिनी, लेकिन वो बहुत छोटे दिखाई देते हैं। बिकॉज, क्योंकि दे आर वेरी फार फ्रॉम अस, वे हमें छोटे क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि वे हमसे बहुत दूर हैं। इस तरह से बेटा आप सभी का चैप्टर 18 का एक्सप्लेनेशन फिनिश होता है। इस चैप्टर में आप सभी सन, मून और स्टार्स को अपनी कॉपी में ड्रॉ करेंगे। थैंक यू।